चलो क्वेश्चन आ गया सामने। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, गुड मॉर्निंग, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, ये आपको एक पॉइंट दे रहे हैं यहाँ पर, एक पी पॉइंट दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी, ये जो पी पॉइंट है ये, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ये आपको एक लाइन की इक्वेशन है, और ये लाइन जो है एक प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है। तो अगर मैं इसकी फिगर की थोड़ी सी बात करना चाहूं, तो ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो, ठीक है बेटा, जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो। ये अपनी लाइन है, और ऐसे मैं इस पी पॉइंट को मेंशन कर लेता हूं, ऐसे ये पी पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई है पीएम टाइप, ठीक है बेटा। कंसेप्ट समझ में आ गया, थ्योरी समझ में आ गई? यस सर। हाँ चलो ट्राई करते हैं, ध्यान से सोचेंगे करेंगे इसको। चलो देखते हैं क्या करना है। जो लाइन है इस प्लेन के साथ जहां इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट हम लोग यहां निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, लाइन की जो इक्वेशन थी, ये जो अपनी लाइन की इक्वेशन है, इसे अपने को लैम्बडा ले लेना है इस तरीके से, और एक्स वाई जेड निकाल लेने हैं। तो 3λ + 2, ये वाला हो गया, लैम्बडा की वैल्यू 0 आ रही है, एक्स वाई और जेड आ रहे 2 - 1 2। अच्छा तो यहाँ से ये जो आए ना अपने, इनको प्लेन में पास कर देना है। यस यस सर, ये अब प्लेन में चले गए है ना। तो प्लेन में इस तरह से मैं लेके जाऊंगा इनको। सर वो प्लस 1 हो जाएगा, कहाँ पर बेटा? सर लैम्बडा 4 - 1 हो जाएगा ना, वो तो आपने प्लस 1 ही लिख दिया उधर, y इज इक्वल टू। अच्छा ये वाला माइनस में, ओके ओके। और सर फिर यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का फोर लैम्बडा, तो लैम्बडा 0 आ गया अपना, है ना? यस सर। अब लैम्बडा 0 आ गया, तो इसका मतलब जो ये m पॉइंट है वो अपना क्या बना, ये 2 - 1 2 - 1 2 है ना, इस तरह का आ गया बेटा। यस सर। सभी बच्चों का आ गया बेटा ये? यस सर। बेटा अब ये आपको m दिया हुआ है और ये अपना p था, तो आप pm डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर है सबको? यस सर। तो x2 - x1 यानी कि ये मैं 9 प्लस दूसरा आएगा अपने पास 16 प्लस 144, कितना आ गया मेरी रूट के अंदर? 13 आ रहा शायद, 116 प्लस माइनस 13। हाँ ये अपनी डिस्टेंस आ गई। क्लियर है सबको? यस सर। बेटा स्क्रीनशॉट बना लो या नोट करना है तो नोट, जैसा भी आप करें। सर डन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्वेश्चन मार्क। पासिंग थ्रू एक पॉइंट आपको दिया हुआ है 0, 7 - 7। नोट करना है जी बेटा, पिछला वाला नोट करना है। अच्छा पीछे करना है, देख लो। चल जाओ उसमें, क्या है ये भी सही लग रहा। डांस है
चलिएगा, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्वेश्चन मार्क है, पॉइंट दिया हुआ है और इसी में कहा गया एंड कंटेनिंग अ लाइन फिर वो ना खड़ा नहीं पड़ता पूरा ठीक से। कुछ बोल रहे हो बेटा? नो सर। ये x प्लस वन अपॉन माइनस थ्री इक्वल टू y माइनस थ्री अपॉन टू एंड इक्वल टू z प्लस टू अपॉन वन। फिर से रिपीट, आपको प्लेन की इक्वेशन बनानी है जिसमें ये पॉइंट लाई करेगा, यानी कि ये पॉइंट से वो प्लेन पास हो रहा है और ये वाली लाइन, ये लाइन उस प्लेन के अंदर एग्जिस्ट है। तो कुल मिलाकर के बात अगर मैं करना चाहूं तो ये लाइन तो ऐसी हो गई, अगर मैं इस लाइन को पी क्यू लाइन मान लेता हूं, एक पी तो वो मान लिया, चलो ए क्यू ले लो, तो ये ए क्यू लाइन हो गई अपनी और ये पी पॉइंट यहां पर एग्जिस्ट करता है, तो इस प्लेन को आपको बताना है। आया समझ? थ्योरी आ गई? हाँ जी बेटा। यस सर। चलो ट्राई करो। सर इक्वेशन आ रही है माइनस 53 बाय 2x प्लस 20y एंड प्लस 13 बाय 2 z इज इक्वल टू 0। ऐसा आ रहा है 53 सर, वो 15 नहीं है, 53x। अच्छा ये शुरू में जो है, चलो कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है भाई? कंसेप्ट पकड़ दें, क्या करना है। सबसे पहले आप इस लाइन के वेक्टर को और पॉइंट को बना लीजिए। तो अगर मैं इसका एक पॉइंट बनाना चाहूं तो माइनस वन थ्री माइनस टू बनेगा इस लाइन का पॉइंट, जिससे पॉइंट से पास हो रही है लाइन। और बेटा इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा, जो बी वेक्टर हम बोलते हैं, वो एक तरह से ये हो गया। ये दो बातें समझ में आई नहीं आई? आई सर। अब देखो इस पॉइंट से पास होने वाला जो प्लेन होगा वो प्लेन कैसा होगा, वो होगा ए एक्स माइनस जीरो प्लस बी वाई माइनस सेवन प्लस सी जेड प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। क्या मैं पकड़ गया इस बात को, क्या करा मैंने यहाँ पे भाई? Yes. अब ध्यान देना, ये जो पॉइंट यहाँ दिया था इससे इस प्लेन की इक्वेशन आपने बनाई है, लेकिन क्या मैं इतना मानता हूं कि इस प्लेन के अंदर ये पॉइंट भी एग्जिस्ट कर रहा है? भाई लाइन, ये जो आप ऐसे समझे, ऐसे मेरे हाथ की हथेली पे ये मैंने मार्कर रख दिया, ऐसे पेन रख दिया, तो ये हाथ पर ये पेन भी तो है, पेन है तो पेन का पॉइंट जो भी होगा वो भी तो प्लेन पे एग्जिस्ट करेगा या लाई करेगा। Yes, क्यों sir. तो ये क्यू पॉइंट इस प्लेन पर लाई करेगा, तो मैं पास कर रहा हूं क्यू से, पास कर रहा हूं क्यू से। जब क्यू से पास करोगे तो ये रखोगे आप, देखो ऐसे ए बाहर माइनस वन बी बाहर और ये अपना क्या लिखाओगे यहां पर थ्री माइनस सेवन, सी बाहर रखोगे तो रखोगे माइनस टू प्लस सेवन इक्वल टू जीरो होगा। यस नो होगा बेटा? हाँ जी बेटा। यस सर। तो बेटा ये बना क्या, माइनस ए माइनस फोर बी प्लस फाइव सी इक्वल टू जीरो, जिसे मैं जनरल अगर बनाना चाहूं तो ए प्लस फोर बी माइनस फाइव सी इक्वल टू जीरो। अब आप इसको ना, इसको इक्वेशन वन मान लीजिए और इसको, क्या मेरे को ये समझ में आ गई? यस सर। अब एक बात तो और सोचिएगा, जब कोई लाइन जैसे मेरी हाथ की हथेली पे ये प्लेन आ गया है, दिख रहा है ऐसे ऐसे जैसे पेन रखा है, प्लेन है उसमें लाइन आ गई है। अब लाइन का जो वेक्टर है बी,
देख रहे हैं आप लाइन का वेक्टर बी, ये जो वेक्टर बी है ये प्लेन पर ऐसे होगा जैसे इस तरह से पेन रखा है, ये ऐसे पेन की तरह रखा होगा ऐसे, और प्लेन का वेक्टर होता है 90 डिग्री, यानी कि कुल मिलाकर के ऐसी सिचुएशन होगी कि वो उसके साथ 90 डिग्री बनाएगा। सोचो प्लेन का वेक्टर 90 डिग्री होता है ऐसे, जो एबीसी है ये वाले एबीसी जो मैंने माने हैं, ये एबीसी जिस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन से वो रेशियोज हैं, ये परपेंडिकुलर होगा उस पे, तो लाइन पे भी तो परपेंडिकुलर हुआ फिर वो, क्योंकि लाइन तो ऐसे लाई कर रही थी, ऐसे थी लाइन तो इस तरीके से, क्लियर है? यस सर। तो अब इस बी का प्रोडक्ट इन एबीसी से क्या होगा? जीरो। क्यों? तो ये होगा माइनस थ्री ए, उसके बाद टू बी, उसके बाद सी इक्वल टू जीरो। क्या मैं समझ गया इन बातों को? हाँ जी बेटा, ये बात क्लियर हो गई, ये चीज आ गई। यस सर। अब इक्वेशन टू थ्री का कुछ कंसेप्ट याद है अपने को? एक्स अपॉन, सॉरी ए अपॉन करके लिखते थे, ए अपॉन फोर टू माइनस फाइव वन। तो ए अपॉन फोर हो गया, नीचे टू हुआ, ये माइनस फाइव हुआ और ये वन हुआ, फिर अपना माइनस बी करके भी लिखा जाएगा, माइनस बी करके हो गया वन माइनस थ्री एंड माइनस फाइव वन, फिर इक्वल टू सी अपॉन, याद है मुझे, वन माइनस थ्री और फोर टू। ठीक है बेटा ऐसे? यस सर। अब यहां से एबीसी आ जाएंगे ना लैम्डा की फॉर्म में, है ना, इस तरह से लैम्डा की फॉर्म में आएंगे, क्या कहते हो? चलो उन्हें फटाफट निकालो और फिर वो जो एबीसी आएंगे उसे यहां रखना है। सर मैंने तो कुछ और ही कर दिया। अच्छा चलो ये देखो, अब देखो पकड़ो जल्दी से, फटाफट फटाफट निकाल दो। यस सर। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, थ्योरेटिकल? यस सर। a upon 14 equal to v upon 14 c upon 49, तो इक्वल टू लैम्डा रख करके एबीसी आ जाएंगे। अच्छा तो फिर वो यहाँ चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस एबीसी के प्लेस पे लैम्डा की फॉर्म में, फिर लैम्डा से डिवाइड कर देंगे। यस सर। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, गुड। आ गया सभी का बेटा आंसर? यस सर। आंसर बना ये, आंसर बना, ठीक है डन। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट भी ले लो साथ में। सर डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, सबसे पहले एक आपको बोला गया कि भाई लाइन है, दो लाइनें हैं और वो एक प्लेन में लाई करती हैं, तो आपको कोई कांस्टेंट देगा उसकी वैल्यू पूछ के। तो एक L1 लाइन में और L2 लाइन लिख लेता हूं बेटा। L1 है मेरे पास x प्लस वन अपॉन थ्री इक्वल टू y प्लस थ्री अपॉन फाइव, और तीसरी चीज है z प्लस फाइव अपॉन सेवन। सेकेंड लाइन है मेरे पास में x माइनस टू अपॉन वन, y माइनस फोर अपॉन लैम्बडा एंड z माइनस सिक्स अपॉन सेवन। ये जो दोनों लाइन है ये सेम प्लेन में है,
ठीक है बेटा, क्या करती हैं दोनों सेम प्लेन में लाई करती हैं, ओके, या कह दो कोप्लेनर है, ठीक है बेटा, कोप्लेनर भी बोल सकते हैं। और इसमें एक तो आपसे कहा गया भाई लैम्ब्डा पता हुआ, और सेकंड चीज दूसरा बोला गया कि आप इक्वेशन ऑफ प्लेन भी बताइए, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। क्या मुझे समझ में आया बेटा? यस सर। चलो ध्यान से करना बेटा, हाँ तो ये क्वेश्चंस क्लियर चल रहा है अपना, समझ में आ रहा है क्या करना है इसका? यस सर। चलो मैं थोड़ा सा फिगर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, अगर पकड़ में आ जाए एक बात। ये अपना एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन भी मुझसे पूछी जा रही, इस प्लेन में ये एक लाइन ऐसे कह दो L1 और दूसरी लाइन ऐसे बोल दो L2, ठीक है। अब इस पर जो N होता है, N वो परपेंडिकुलर होता है यहां पर प्लेन पे ऊपर की तरफ ऐसे इस तरीके से, ठीक है, दिख रहा है सबको, ऐसे दिख रहा होगा मेरे को लगता है ना? Yes, sir. तो ये जो दोनों लाइनें हैं इन पर भी वो N परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। तो कुछ अपना क्रॉस वगैरह डॉट वगैरह का कंसेप्ट सोच के अप्लाई करो, क्या कर सकते। मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि अगर मैं पहले लाइन वाले का पी पॉइंट मानता हूं और दूसरी लाइन वाले का पॉइंट क्यू मानता हूं, तो अपने पास पी पॉइंट होगा ऊपर वाली लाइन से मैं जा रहा हूं, और नीचे वाली लाइन L2 है उसका पॉइंट होगा अपने पास 2, 4, 6। क्या मैं पकड़ गया इन दोनों बातों को, समझ आ गई मुझे ये दोनों बातें, PQ पॉइंट जो है इन दोनों लाइनों से बनाया मैंने? Yes, sir. बेटा इसी तरीके से ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये पहले वाले का, इसका मैं कहता हूं वेक्टर फॉर्म B1 है और इसका वेक्टर जो होगा वो B2 है, तो अपने को B1 B2 भी मिलने वाले हैं, है ना। तो B1 हो गया बेटा अपने पास 3i 5j 7k, एंड बेटा B2 क्या आएगा अपने पास 1 मतलब i प्लस लैम्ब्डा j प्लस 7k। क्या मैं दोनों बातें अभी तक जो मैंने लिखी पॉइंट को लेकर के और वेक्टर को लेकर के समझ गया मैं? यस। अब इसमें अगर आपको ये दोनों बातें समझ आ गई तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं PQ को। यस सर। तो मैं ऐसा एक वेक्टर PQ बना सकता हूं क्या भाई? वेक्टर PQ बनेगा। यस सर। तो PQ कैसे बनने वाला है? 3i देख लो 7j 11 के। क्या मेरे को ये PQ वेक्टर समझ आया भाई? Yes, sir. चलो आगे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर B1 B2 ये दोनों ले लेता हूँ, ये जो B1 B2 है अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ये दो वेक्टर हैं अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो जो बनेगा वो परपेंडिकुलर बनेगा दोनों पे, याद करो, ध्यान से सोचो। अगर मैं एक सी वेक्टर बना रहा हूं बी वन क्रॉस बी टू से, ठीक है, तो जो सी वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर होगा बी वन क्रॉस बी टू दोनों पर, मतलब बी वन बी टू पे, सॉरी बी वन बी टू पे परपेंडिकुलर, आया कुछ समझ? जो क्रॉस वेक्टर बनाते हैं लैम्ब्डा की वैल्यू 4 आ रही है, लैम्ब्डा की वैल्यू 4 अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और किसी बच्चे ने अगर किया है तो देख लेते हैं, 4 आया ना आपका, चलो यहां नोट कर लेते हैं लैम्ब्डा अपना 4 है, ठीक है।
ये आपने आंसर बोला, अभी देखते हैं। अब ये जो सी वेक्टर आपने बनाया बी वन क्रॉस बी टू, ये आपका सी वेक्टर इस पे भी तो परपेंडिकुलर होगा, मतलब सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे, यस नो भाई? ये लाइन है दोनों ऐसे, इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर होगा वो ऐसे बनेगा इस तरीके का, yes, और ये जब परपेंडिकुलर है तो ये तो P पे भी ऐसे परपेंडिकुलर है, तो PQ पे परपेंडिकुलर हुआ हो तो, yes, क्योंकि PQ भी तो उस प्लेन में लाई कर रहा है। अब जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो अपने को C डॉट PQ क्या लिख देना चाहिए? जीरो। जीरो। अब C डॉट PQ अगर जीरो है, इसका मतलब डिटरमिनेंट वाला पार्ट आपका जीरो बनेगा इस तरीके का, ABC वाला याद है अपने को, A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू जीरो, ये वाला सीखा था हमने ऐसे जीरो ABC, तो ये डिटरमिनेंट ही तो थी ऐसे, यहाँ पे A या B या C, याद है अपने को? Yes. तो अब क्या करना चाहिए, C और PQ इन सब को आप ABC की तरह ट्रीट कर लो। yes. तो क्या बनेगा वेक्टर फॉर्म? रख लो 3 7 11, एक ये हो गया, बी वन ले लो 3 5 7 और फिर अपना ये 1 लैम्बडा 7। अब ये जो है आपका जीरो है, तो मुझे लगता है यहाँ से लैम्बडा आ जाएगा। सर लैम्बडा 4 आ रहा है। लैम्बडा 4 आ रहा है बेटा, सब लोग चेक करो अपना। चेक कर लो बेटा लैम्बडा। डन सर। आ गया बेटा? यस सर। अभी इसमें हमारा पहला पार्ट हो गया, यही तो हुआ बेटा। अब सेकंड पार्ट क्या कहते हैं वो? इक्वेशन ऑफ प्लेन मुझसे कहा गया भाई, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, मैं हटाऊंगा इसमें से काफी, मतलब कई चीजें हटानी है, नीचे से हटाना है। हो गया बेटा? डन सर। चलो मैं हटा रहा हूं नीचे से, तो ये हटा देते हैं अभी। और ये मैं हटा लेता हूं फिलहाल। ये हटा लेते हैं। अब मुझे ये जो प्लेन आप देख रहे हैं फिगर, इसकी इक्वेशन चाहिए। ठीक, ये बताओ कि अगर आपको एक पॉइंट पता है जैसे एक्स वन वाई वन और जेड वन, और आपको एन वेक्टर पता है, सही है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकाली जाती थी, याद है कुछ ऐसा? कुछ याद है? आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो, याद है मुझे? Yes, sir. और ये R माइनस ए, R तो अननोन होता है, एक्स वाई जेड क्या कहते हो, और A मुझे पॉइंट, देखो अब A पॉइंट तो दो हो सकते हैं, या तो P या Q, भाई A पॉइंट जो है वो अपना प्लेन का कोई पॉइंट है, yes, तो वो तो A भी हो सकता है और हो सकता है B हो वो, yes, ठीक है,
तो मतलब दोनों में से किसी को भी ले सकता हूं। ए की जगह इस ए के प्लेस पे पी और क्यू दोनों में से कोई भी पॉइंट आ सकता है, मतलब मैं इसे भी लेकर के जा सकता हूं, मैं इसे भी ले सकता हूं। क्लियर है कहानी? यस। और ये जो एन है, ये एन है परपेंडिकुलर वेक्टर, और वो परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे बना था? बी वन क्रॉस बी टू से। क्या मुझे याद है बी वन क्रॉस बी टू से परपेंडिकुलर बनाया था मैंने, सी वेक्टर माना था जिसको, ये वाला? यस सर। अब फिर से रिकॉल करो, मुझे अब क्या चाहिए? मुझे चाहिए प्लेन। प्लेन की इक्वेशन के लिए दो पॉइंट है मेरे पास, किसी एक को ले लूंगा, और जो ये परपेंडिकुलर एन बन रहा है, ये वाला एन, ये एन होगा ये वाला सी, ठीक है? तो ये भी अपना ए डॉट बी क्रॉस सी से ही चला जाएगा इस तरह के से, ये ऐसे, ये जो चीज है वो वही है। अब इसमें ए कौन है? ए कौन है यहां पर? ए को ले लेंगे हम लोग आर माइनस ए वाला। बी कौन होगा? बी वन। सी कौन होगा? बी टू। क्या मेरे को ये तीनों बातें समझ में आ गई? यस सर। तो ए बी सी रख करके काम निपटा दूं? यस सर। मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। और लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, आर माइनस ए डॉट बी वन क्रॉस बी टू, जो एन है उसे लिख रहा हूं बेटा, ये एन की जगह लिखा है मैंने बी वन क्रॉस बी टू, इंप्लाइज दैट, ये मैं डिटर्मिनेंट बना रहा हूं इक्वल टू जी। डिटर्मिनेंट में यहां आएगा एक्स माइनस एक्स वन, तो ये प्लस वन, y प्लस थ्री, जेड प्लस फाइव। ये बात समझ में आ गई? r माइनस ए बना दिया मैंने p को लेते हुए, आया बेटा समझ? सोचो। yes. हो गया? yes, sir. और b1 कौन आने वाला है? देखो थ्री फाइव सेवन। और b2 कौन आने वाला है? लैम्डा की वैल्यू फोर रख लोगे ना अब तो, क्यों भाई? Yes, sir. ये फोर आया था ना? Yes, sir. तो अब यहां पर कौन होने वाला है? वन फोर सेवन। भाई इसको सॉल्व कर लो फटाफट, बताओ क्या आता है। हेलो, एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इक्वल ट्वेल्व। अच्छा, जो आंसर बन रहा है वो है एक्स माइनस 2y plus z equal to 12. भाई और किसी का ऐसा आया? हाँ जी बेटा। Yes, sir. भाई और किसी का ऐसा रिजल्ट बना? एक बार इसको देख लो यार, मुझे न्यूमेरिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है इस पार्ट। इसे देख लो एक बार बेटा कैलकुलेशन, बाकी ठीक है, जो एक्स वाई जेड वाली चीजें हैं वो आपकी बिल्कुल ठीक है। So, जीरो आ रहा है इक्वल में। हाँ, इक्वल में जीरो आ गया। गुड। यस। यही मैं सोच रहा था कि अच्छा क्या है, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्लस का 42 हो गया ना माइनस वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ठीक है ना अपना? यस सर। हाँ भाई, और बच्चे सभी लोग देख ले, सबको क्लियर हो गया बेटा ये? हाँ जी बेटा। यस सर। स्क्रीनशॉट बना लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। और कल प्लेन का टॉपिक कल खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट,
कल फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें एक अभी टॉपिक बचा हुआ है सर्कल और प्लेन वगैरह का कुछ थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन, कल हम कोशिश करेंगे कल या नेक्स्ट क्लास में वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा आपने देखा भी होगा चैप्टर भी काफी बड़ा है, क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज्यादा है ना। यस चलो आगे लग रहा ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट हो गया ना सभी बच्चों का? यस सर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास, इक्वेशन ऑफ लाइन आपसे पूछी गई है बेटा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपसे पूछी गई है और पास हो रही है वो लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन्स यहां पर दो प्लेन है, एक P1 में मेंशन कर रहा हूं और एक बेटा P2 मेंशन कर रहा हूं। P1 है अपने पास x minus y plus 2z इक्वल टू 5, ये मेरा फर्स्ट प्लेन है, और सेकंड प्लेन है अपने पास 3x प्लस y प्लस z इक्वल टू 6, ये दो प्लेन है। रिपीट, सबसे पहले आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और नीचे दो प्लेन दिए हुए, ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं उस लाइन से जो आपसे पूछी गई है, उस लाइन के पैरेलल। थ्योरी पे थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, वेक्टर का बड़ा झोल है इसमें, तो वेक्टर्स को फोकस करके थोड़ा सा जाना तो आ जाएगा। -11/4x + y/4 + 3z/4 = -5/2 किस किस का आ गया बेटा, आंसर बोल दो एक बार बेटा। -11/4x + y/4 + 3z/4 = -5/2 बेटा ये तो प्लेन बनाया आपने, लाइन पूछे बेटा, ऐसी इक्वेशन तो प्लेन की होती है बेटा। बेटा लाइन की इक्वेशन बेटा। यस ये लाइन की इक्वेशन नहीं है बेटा, वो तो कुछ ऐसी होनी चाहिए ना अपनी, इस टाइप की, ये वाली टाइप चाहिए बेटा, ठीक है, इसको सोचो बेटा। R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा भी से नहीं बनेगा, R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा भी से, इससे नहीं बनेगा ये, इससे भी बन सकता है लेकिन फिर वो बी वेक्टर को ढूंढना पड़ेगा, ये जो ये बी वेक्टर के लिए बात हो गई ना बेटा, और ये जो x1 y1 z1 है ये अपना ये रहा पॉइंट। यस हाँ, तो थोड़ा सा फोकस करके करो आ जाएगा, फिर मैं बताता हूं, नहीं तो ट्राई करो जरा। इसको भी हटा ही देता हूं मैं, ये वाला पोर्शन, चलेगा देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन को जब बनाना चाहूंगा तो मैं x-1/a y-2/b and z-3/c, क्या मैं ये समझ पाया कि ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 3?
क्यों बेटा, क्लियर हो गया यहाँ पे? यस सर। अब देखो ये प्लेन जो है, ये दो प्लेन है ठीक है, एक प्लेन ये रहा, दूसरा ये ले लो, एक पी वन एक पी टू, दोनों प्लेन ऐसे जैसे मेरी उंगली है, मेरा हाथ है ना हथेली, इसे प्लेन वन मानो, और इसके पैरेलल ऐसे प्लेन के पैरेलल ये लाइन है, दिख रहा है मेरे को फिगर में, ये ऐसे ये प्लेन पैरेलल है, जब पैरेलल है तो प्लेन का वेक्टर ऐसे होता है 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ, प्लेन का वेक्टर ऐसे होता है ना, yes. और लाइन ऐसे है अपनी, तो दोनों आपस में 90 डिग्री पे मिलेंगे, yes, ठीक है, समझ में आई बात ये 90 डिग्री वाली। तो कहने yes. का मतलब मेरा ये है कि इस वेक्टर को और इसके वेक्टर को, यानी कि दोनों प्लेन के वेक्टर को अगर एबीसी से प्रोडक्ट लोगे तो जीरो लिखोगे, क्या लिखोगे दोनों, जीरो, लाइन बीच में ऐसे आ गई अपनी, ये लाइन आप पूछ रहे थे है ना, ये निकालनी है। तो अब कैसे करोगे, ये जो एबीसी है ये पहले वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट ले जाओ, ए माइनस बी, ए माइनस बी एंड टू सी इक्वल टू जीरो, क्यों बेटा, ऐसे ही दूसरा पार्ट, थ्री ए प्लस बी प्लस सी, क्यों आ गए, yes. अब मुझे तो ये फोर और फाइव पता है कैसे सॉल्व होती है, यस नो, यस, तो फोर और फाइव को फटाफट निकाल के लाओ, रूल याद है ना अपना, ए अपॉन माइनस बी अपॉन एंड फिर सी अपॉन, ये एबीसी आपको निकालनी, a इक्वल टू माइनस फोर लैम्डा, b इक्वल टू फोर लैम्डा, c इक्वल टू थ्री लैम्डा, कितना कितना आ गया भाई, a इक्वल टू माइनस फोर लैम्डा, माइनस फोर लैम्डा, b अपना फोर लैम्डा एंड c थ्री लैम्डा। अब ये जो एबीसी है बेटा, इनको यहाँ लेके जाएंगे तो बस न्यूमेरिकल वैल्यू छोड़ दो, लैम्डा तो चला जाएगा अपना, क्योंकि रेशियो लेते हैं जब तो सेम चीज हटा दी जाती है या डिवाइड कर दी जाती है ना। तो मैं अगर यहाँ पर आंसर लिखना चाहूं तो बनेगा x माइनस वन अपॉन माइनस फोर, y माइनस टू अपॉन फोर, z माइनस थ्री अपॉन थ्री, ये कुछ आंसर आया फिर तो भाई अपना, क्या कहते हो, अगर कहीं आपने कैलकुलेशन गलत नहीं किया तो ये अपना अपना आंसर है ठीक है, yes. अब इसमें थोड़ा चेंज में हल्का सा लेना चाहूंगा बेटा, ध्यान से देखना इसी क्वेश्चन में, एक और ट्विस्ट में ले रहा हूं, ऐसा हो सकता है, इसको स्क्रीनशॉट बनाओ ताकि मैं क्वेश्चन बताऊं, इसी को दूसरे वे में और कर रहे हैं, एक और लगा रहे हैं लेकिन बस थोड़ा सा फर्क होगा उसमें, स्क्रीनशॉट हो गया, यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से है इक्वेशन ऑफ लाइन, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है वन टू माइनस फोर, एंड इस बार परपेंडिकुलर, देखो वहां पर प्लेन्स दिए थे तो पैरेलल बोला था ठीक है, प्लेन्स दिए थे तो क्या बोला था, पैरेलल, और यहां है लाइनें दो, क्या है यहां पर, दो लाइनें हैं, एक लाइन है r इक्वल टू एट आई माइनस नाइनटीन जे प्लस टेन के प्लस लैम्डा, थ्री आई माइनस सिक्सटीन जे, थ्री आई माइनस सिक्सटीन जे प्लस सेवन के,
और एक दूसरी लाइन है अपने पास r इक्वल टू 15i प्लस 29j प्लस 5k प्लस म्यू 3 8 माइनस 5k इस तरह से है भाई। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? इस चीज पे थोड़ा सा मैं रिकॉल करता हूं, चीजें अभी पढ़ के आए हैं वही काम है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी गई है, पॉइंट दिया हुआ है, अभी जो पढ़ा ना लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन इससे जस्ट पहले वही टाइप है, और वहां दो प्लेन दिए थे, यहां दो लाइन दी। बेटा याद रखना ये परपेंडिकुलर है दोनों लाइन, वहां प्लेन पैरेलल बोले थे, याद करो। अगर प्लेन और लाइन होंगे, अगर प्लेन एंड लाइन होंगे तो पैरेलल सिचुएशन होगी, ठीक है। अगर प्लेन प्लेन की कंडीशन होंगी तो परपेंडिकुलर, और लाइन लाइन होंगी तो परपेंडिकुलर, ठीक है। आ रहा है समझ? ये जनरल बातें मैंने बताई, लगाओ जल्दी से क्वेश्चन को। देखो इक्वेशन तो अपनी उसी तरीके की आने वाली है ऐसे, yes। इसे ले लेते हैं अपने को 1, ये 2, ये अपनी 3। क्लियर हो गया यहाँ पे? yes। अब ये जो एबीसी है वो B1, B2 के साथ जीरो दिखाएंगे? Yes। तो कैसे आने वाला है? 3a-16b+7c=0 और दूसरे में 3a+8b-5c=0 ऐसे गया? Yes sir। अब यहाँ से ये ऐसे a upon 3 minus 56 AR है 24, BR है -36 और CR है 62। ओके, बी हो गया अपने पास, माइनस बी हो गया -15 and -21, सी हो जाएगा अपने पास में 24 plus 48। तो क्या क्या आया? ए कितना हो गया? 24। बी -36 एंड सी 62। अब ये ए बी सी यहाँ चले जाएंगे, लैम्बडा की फॉर्म में होंगे तो लैम्बडा तो छोड़ दिया जाएगा, है ना? यस सर। तो इस तरीके से मेरा रिजल्ट बन जाएगा? यस सर। हाँ बेटा, सभी बच्चों को क्लियर हुआ बेटा? सर सी 72 होगा ना? 4 2 6 हाँ भाई 72 आया। ये 72 आया, ये दोनों ऐड करेंगे ना तो yes sir, है ना? आ गया सबको क्लियर? yes sir। बेटा किसी को कोई परेशानी हो और कोई डाउट?